स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंटीन्यूअस स्लैब की। तो कंटीन्यूअस स्लैब सेम एज कंटीन्यूअस बीम, दो से ज़्यादा सपोर्ट होती हैं तो कंटीन्यूअस स्लैब होती है। तो कंटीन्यूअस स्लैब को भी सेम एज हमने लास्ट लेक्चर में स्लैब डिजाइन की है वैसे ही करेंगे। तो वन वे कंटीन्यूअस स्लैब में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमें हर क्रिटिकल सेक्शन पे मोमेंट और शेयर का कोफिशियंट निकालना होता है, और निकालने का मेथड आपको IS कोड में गिवन है। ठीक है, तो हमें मोमेंट और शेयर का कोफिशियंट निकालना है क्रिटिकल सेक्शंस पे। कैसे निकालना है, बहुत इजी है। जैसे कि एक सिंपल सपोर्टेड स्लैब का एलिवेशन है, तो एलिवेशन में हमें दिखाई देगा ये सपोर्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 सपोर्ट है, साथ में बनाया हुआ है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, जो कि मिडल वाली सपोर्ट पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और लास्ट एंड वाली सपोर्ट है हमारी सिंपल सपोर्टेड। तो इस केस में इस कंटिन्यूस स्लैब में हमारे पास कितने स्पैन है, 1, 2, 3, 4 स्पैन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये IS कोड क्या कह रहा है कि नियर मिडल ऑफ एंड सपोर्ट, जो एंड सपोर्ट है उसके पास वाला जो स्पैन है उसके मिडल में जो फैक्टर होगा मोमेंट के लिए वो होगा +1/12। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एट द मिडल इंटीरियर, मिडल इंटीरियर के मिडल में जो मोमेंट होगा उसका कोफिशिएंट होगा 1/16, 1/16, ये मिडल इंटीरियर है, और एंड सपोर्ट के पास वाले स्पैन का 1/12 होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो गई। अब ये कह रहा है एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड, यानी कि जो एंड वाली सपोर्ट है उसके बाद जो सपोर्ट है उस पर -1/10 होगा। ठीक है, तो ये 1/10 हो गया, और इस एंड सपोर्ट के बाद जो सपोर्ट है वहां पर नेगेटिव मोमेंट का कोफिशिएंट फैक्टर 1/10 होगा माइनस में, और जो मिडल में है वहां पर होगा 1/12। ठीक है, और ये कौन सा केस है जिसमें हम डेड लोड प्लस लाइव लोड ले रहे हैं, वो भी फिक्स। अगर लाइव लोड फिक्स नहीं है तो हम फिर ये केस लेंगे। ठीक है, दोबारा से एक बार और हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस स्लैब को डिजाइन करने। कंटिन्यूस स्लैब यानी कि वो दो से ज्यादा सपोर्ट से होकर गुजर रही है। ठीक है, कंटिन्यूस स्लैब हो गई, दो से ज्यादा स्पैन है उसमें। ठीक है, अब कंटिन्यूस स्लैब में IS कोड कहता है कि इसको डिजाइन करने के लिए क्रिटिकल सेक्शंस पर हमें मूवमेंट का एक कोफिशिएंट चाहिए और शेयर का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो IS कोड एक टेबल दी हुई है, उसमें बताया गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एलिवेशन डायग्राम विद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साथ हमने बनाया कंटिन्यूस स्लैब का। ठीक है, अब IS कोड कह रहा है कि जो कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम, ये मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट निकालने की। ठीक है, तो वो कह रहा है कि डेड लोड प्लस लाइव लोड के केस में जब दोनों फिक्स हो, तो जो एंड सपोर्ट है उसके नियर में जो स्पैन है उस पे जो मिडल पे होगा 1/12 होगा, यहाँ पर भी 1/12, और मिडल वाले इंटीरियर स्पैन में 1/16 होगा पॉजिटिव। ठीक है, ओके, फिर ये कह रहा है कि एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, एंड सपोर्ट के नेक्स्ट में ये होगा 1/10 और 1/10, और मिडल में होगा इंटीरियर में होगा 1/12। अब बेंडिंग मोमेंट निकालना है आपको, जैसे इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है WL2। L है आपका इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, जिस भी इस पे निकालना है मोमेंट, तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय WL2। इस तरह से हम मोमेंट निकालेंगे, फिर जो मैक्सिमम मोमेंट होगी उसको हम यूज करेंगे सारे स्टेप सेम डिजाइन करने के लिए। ठीक है, सेम है शेयर के लिए। ठीक है, ये हमने उसी तरह से बना दिया, दूसरी टेबल ले लिया। शेयर में कह रहा है कि देखो एट एंड सपोर्ट पे शेयर कोफिशिएंट 0.4। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना, भूल गया। एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड, सपोर्ट के एंड सपोर्ट के नेक्स्ट में जो सपोर्ट है उसके आउटर में इतना और इनर में इतना कोफिशिएंट, और इस सपोर्ट के भी एंड सपोर्ट है इसके नियर ये वाली सपोर्ट है इसके भी आउटर में इतना एंड में इतना, लेकिन इंटीरियर में 0.5। ठीक है, ऑल इंटीरियर में 0.5। ठीक है, अब आपको शेयर फोर्स निकालना है इस सेक्शन पे, तो फैक्टर इनटू W, जहां पर भी आपको निकालना है कोफिशिएंट फैक्टर इनटू W। इस तरह से हम जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा उसके लिए हम डिजाइन करेंगे, तो न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है, डिजाइन ए रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब फॉर ए होल मेजरिंग, इतना साइज है होल का। ठीक है, द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन RCC बीम जिसकी विड्थ है आपका 200 mm, और ये स्पेस है सेंटर टू सेंटर, ये ध्यान रखना सेंटर टू सेंटर स्पेस है 4 मीटर,
लाइव लोड दिया हुआ है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, M20 कंक्रीट और Fe 415 स्टील। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है स्लैब का स्पैन, 4 मीटर गिवन है, ये डाटा गिवन है। लाइव लोड 4 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टील दिया हुआ है 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और कंक्रीट दिया हुआ है 220 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। एक कंटिन्यूस स्लैब का डिजाइन न्यूमेरिकल है, बस लोडिंग को समझना है और सब सेम स्टेप्स हैं, और सब हम जल्दी जल्दी चलेंगे, लोडिंग को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो स्लैब की थिकनेस एल बाई डी के रेशियो के हिसाब से हमने एज्यूम कर लिया 120 इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर कवर इसमें ऐड कर दिया तो ओवरऑल डेप्थ हो गई 150 mm। ये एज्यूम डाटा है, ठीक है, आपको भी एज्यूम करना है कुछ इस तरीके से, बाद में हमें पता करना है कि करेक्ट है या नहीं डेप्थ रिक्वायर निकाल के। ठीक है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मैं सारी चीज बड़ी जल्दी से रिपीट करूंगा क्योंकि ये हो चुकी है लास्ट न्यूमेरिकल में, केवल लोडिंग वाला पोर्शन है उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन निकालना है, तो याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले विड्थ ऑफ सपोर्ट 200 mm दी हुई है, क्लियर स्पैन 4000 में से 200 माइनस कर दिया क्योंकि ये जो हमारा कंटिन्यूस स्लैब है इसमें सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है 4000। ठीक है, और 200 ये है आपकी विड्थ, तो अगर आपको क्लियर चाहिए तो हमें 200 माइनस करना होगा, यानी कि 200 का हाफ 200 का हाफ, यानी टोटल 200 माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो हमारे पास ये आ चुका है क्लियर स्पैन। अब L बाय 12 रेशो निकाल के पहले देखते हैं, जो हमने इफेक्टिव स्पैन मैंने एक लेक्चर में पूरा बताया हुआ है कि हर स्लैब का इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते हैं। तो कंटिन्यूस में सबसे पहले L बाय 12 हम निकालेंगे, 316.5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट की विड्थ कितनी है 200 mm, तो जो L बाय 12 आ रहा है वो 200 mm से ज़्यादा है, तो इसलिए उस केस में हमें इफेक्टिव स्पैन कैसे लेना है, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो क्लियर स्पैन ये देखो 3800 आ गई, उसमें प्लस हमने डेप्थ एज्यूम कर दिए, ऐड कर दिए इफेक्टिव डेप्थ, तो इफेक्टिव स्पैन आ गया 3.920 मीटर। ठीक है, यहां से बहुत ध्यान से आपको समझना है, सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब कैलकुलेट कर लिया, ये टोटल विड्थ है डी, ये डेंसिटी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सेल्फ वेट। फिनिशिंग लोड एज्यूम किया है, आप चाहे तो मत करना लेकिन एज्यूम कर लिया है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल डेड लोड आ गया है हमारा 4.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता ही है, आपको पता है, लेकिन अगर किलो न्यूटन पर मीटर में निकालना है तो केवल हमें डेप्थ इंटू डेंसिटी। अब लाइव लोड गिवन है, इम्पोज लोड जो दिया हुआ था 4 किलो न्यूटन, फैक्टर डेड लोड निकालना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर लाइव लोड निकालना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का लाइव लोड में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इस केस में क्या किया है हमने, डेड लोड का अलग फैक्टर लोड निकाला है और लाइव लोड का अलग फैक्टर लोड निकाला। अभी तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए थे उसमें डेड प्लस लाइव लोड को ऐड कर दिया था, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करता है। ऐसा क्यों किया है आगे देखना। अभी मैंने इससे इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि कंटिन्यूस स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए बस एक थोड़ा सा चेंज है कि हमें क्रिटिकल सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट निकालना होता है और उसी क्रिटिकल शियर फोर्स क्रिटिकल सेक्शन पे शियर फोर्स कोफिशियंट निकालना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है किसी सेक्शन पे बीम के, यानी पूरी स्लैब के किसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, फैक्टर लोड जो है उसका मल्टीप्लाई करना होगा इफेक्टिव स्पैन के स्क्वायर से और मल्टीप्लाई बाय बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट। फैक्टर लोड हमें पता है, इफेक्टिव स्पैन पता है, ये नहीं पता हमें, ये निकालना है बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट। सेम है शियर फोर्स के लिए, फैक्टर लोड इनटू इफेक्टिव स्पैन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय शियर फोर्स कोफिशिएंट, ये दो चीज़ निकालनी है हमें। आईएस कोड में टेबल दी हुई है कैसे निकालनी है, बस समझना है आपको एक बार ये, और सारा ये स्लैब जैसे पहले स्लैब डिजाइन की थी हमने वैसे ही कंटिन्यू चलेगा। देखो ये है, इसको समझना है आपको, ये हमारी स्लैब है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट 1 2 3 4, 1 2 3, थोड़ा और धीरे मैं इसको समझा रहा हूँ, 4 5। ठीक है, ये 5 सपोर्ट है और स्पैन कितने हैं हमारे, 1 2 3 4, ये कंटिन्यूस स्लैब है। ठीक है,
याद करो इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि हमें बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट कैसे निकालना है। कोड में दिया हुआ है कि एंड सपोर्ट के पास जो स्पैन है वहाँ पे क्या लेना है हमें फैक्टर 1/12 फॉर डेड लोड के लिए, और लाइव लोड के लिए कितना लेना है 1/10। जो आप IS कोड में आप टेबल देखोगे, शायद अभी है, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये टेबल थी ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि डेड लोड एंड इम्पोज लोड फिक्स। अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि दोनों फिक्स हैं तो आपको ये एक ही कोफिशियंट लेना है, लेकिन लाइव लोड तो फिक्स होता नहीं है, तो इसलिए हमें डेड लोड के लिए हम ले रहे हैं ये वाले कोफिशियंट, और लाइव लोड के लिए ले रहे हैं हम ये वाले कोफिशियंट। ठीक है, मान लो किसी सेक्शन पे हमें मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट कोफिशियंट चाहिए, तो डेड लोड के लिए ये फैक्टर लिया, लाइव लोड के लिए ये फैक्टर लिया, दोनों फैक्टर से मूवमेंट निकाली, दोनों को मूवमेंट को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इस सेक्शन पे हमें मैक्सिमम मूवमेंट मिल गई। ठीक है, तो देखो IS कोड कह रहा है कि जो एंड सपोर्ट है उसके पास वाला जो स्पैन है उसके मिडल में डेड लोड के लिए ये फैक्टर लेना है और लाइव लोड के लिए ये फैक्टर लेना है। ठीक है, अब हमें अभी ऊपर हमने क्या किया, ये यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए यहाँ पे, तो बेंडिंग मोमेंट 18.35 आ रही है। कैसे आ रही है, ध्यान से समझना, मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाई है, मैं समझा रहा हूँ। फैक्टर लोड, डेड लोड के लिए फैक्टर लोड कितना है हमारा, थोड़ा जूम कम करते हैं, या ठीक है। डेड लोड कितना है हमारा 7.25, तो 7.25, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन पता है आपको, उसका स्क्वायर कर दिया, और बेंडिंग मोमेंट फैक्टर कितना है 1/12, ठीक है। फिर हमने इसमें प्लस किया लाइव लोड के लिए फैक्टर कोफिशिएंट कितना है 1/10, ठीक है। तो लाइव लोड कितना है हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव स्पैन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/10, और उन दोनों को ऐड किया तो 18.35 आ गया। लाइव लोड के लिए ये फैक्टर लिया, सॉरी डेड लोड के लिए ये फैक्टर, लाइव लोड के लिए ये फैक्टर, इससे एक मूवमेंट आई, इससे एक मूवमेंट आई, दोनों को ऐड कर दिया, हमें मूवमेंट यहाँ पे मिल गई डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये मूवमेंट मिल गई हमें, यहाँ पर ये मूवमेंट मिल गई, यहाँ पर ये मूवमेंट, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हमारी मूवमेंट कौन सी है इन सभी मूवमेंट में, ये वाली। तो हम डिजाइन के लिए ये वाली मूवमेंट यूज करेंगे 21.2। सेम है शियर फोर्स के लिए, वो कह रहा है कि फर्स्ट सपोर्ट पे डेड लोड के लिए कोफिशियंट ये होगा, लाइव लोड के लिए कोफिशियंट ये होगा, इससे एक शियर फोर्स निकलेगा, इससे एक शियर फोर्स निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 21.8 ये निकल जाएगा। सेम एज यहाँ पे, सेम एज यहाँ पे, सेम एज यहाँ पे, यहाँ पे ऐसी हमने शियर फोर्स निकला, और जो मैक्सिमम शियर फोर्स निकला वो ये निकला। तो डिजाइन के लिए शियर फोर्स ये लेंगे, मोमेंट ये लेंगे, बस ये स्टेप है आपके लिए समझना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए मैक्सिमम मोमेंट 21.2, मैक्सिमम शियर फोर्स इतना। सेम एज स्टेप डेप्थ चेक करना है, डेप्थ रिक्वायर्ड का फॉर्मूला ये है, क्योंकि इक्वेशन लगा के क्योंकि वैल्यू बदल जाएगी, आपको नहीं पता तो लास्ट न्यूमेरिकल में देख सकते हैं। तो डेप्थ रिक्वायर्ड जो आई वो 88 mm आई, और जो एज्यूम की थी 120 mm, तो यानी कि ठीक है हमारा सेक्शन अंडर इन्फोर्समेंट है। अब मोमेंट हमें पता है 21.2, इक्वेशन लगा के हमने AST निकाली है 540 mm², मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होता है 0.2%, तो 0.12% जो आ रहा है 180, और जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 540 है, यानी कि सेक्शन ओके है। डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको पता है 0.12% लेते हैं क्रॉस सेक्शन का, 180 mm² हो रहा है, एज्यूम कर लिया डाया आपने 8 mm, स्पेसिंग निकल गई 279 mm। ये सब चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए आप लास्ट लेक्चर्स देखेंगे और न्यूमेरिकल्स में सेम ऐसे स्पेसिंग निकालते थे, 279 mm स्पेसिंग आ रही है, ऐसे राउंड ऑफ करके हमने 270 कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 8 mm का डाया और 270 की स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। शियर चेक, मैक्सिमम शियर हमारी ये आई थी tau VD tau V, इससे निकल जाएगा। परसेंटेज ऑफ स्टील से और कंक्रीट गेट से टेबल से टाउ सी निकल जाएगा, टाउ सी मैक्स भी निकल जाएगा, और यहाँ हम देखेंगे कि ये इससे लेस देन है और ये भी इससे ग्रेटर देन है, तो हम शेयर के लिए इसे डिज़ाइन नहीं करेंगे। स्लैब के लिए इसे करना नहीं होता, चेक करना होता है इसे। चेक फॉर डिफ्लेक्शन, आपको पता है कि L/D रेशियो दिया हुआ है 26, पर हमें एक फैक्टर K का मल्टीप्लाई करना होता है, जो आपको
फिगर नंबर 4 आईएस कोड में मिल जाएगा के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में मैं बता भी चुका हूँ, तो के की वैल्यू आईएस कोड से 1.35 आई है, उसका मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर कितना आ गया 35.1। अब जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम एल बाई डी, जो एल है हमारा ये है, डी है, वो 32.6 कर रहे हैं, इससे कम है तो यानी कि हमारा सेक्शन पास हो गया। देखिए मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि जो भी कोई चीज डिजाइन करने के लिए आएगी आरसीसी में, लास्ट में उसकी डिटेलिंग ड्राइंग जरूर बनानी है आपको। तो देखिए डिटेलिंग ड्राइंग मैंने बनाई है, सिंपल एक स्लैब है हमारे पास, ठीक है, पूरी स्लैब बनाने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूस का मार्क लगा दिया हमने यहाँ पे, कंटिन्यूस जा रही है यहाँ पे, ये दो सपोर्ट बना दिए, एक सपोर्ट एंड पे बना दिए, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, ये है आपका मेन बार, मेन बार, मेन बार का डाया पता है हमें, स्पेसिंग पता है, नहीं पता क्योंकि हमने नहीं निकाली थी, तो मैं अब निकाल लेता हूँ। मेन रिइंफोर्समेंट आपको याद होगा 540 mm स्क्वायर आया था, यूजिंग हमने कर लिया 10 mm का डाया हमने एज्यूम कर लिया, तो उससे हमारी स्पेसिंग निकल जाएगी 145, जिसको राउंड ऑफ करके 150, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि ये जो मेन बार है वो क्या है, 10 mm का डाया है और 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, राइट, ओके। ये जो गोल गोल है ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये हमने अभी ऊपर निकाला था, 8 mm का डाया और 270 की स्पेसिंग, ठीक है। अब आपको ये डिस्टेंस, ये जो हमने बेंड किया है नेगेटिव मूवमेंट के लिए, ये भी आपको याद हो, स्लैब जब स्टार्ट किया तो बताया था कि हमें अल्टरनेट या 50% ऑफ रिइंफोर्समेंट को बेंड करना होता है नेगेटिव मूवमेंट के लिए। तो अगर यहाँ पे हम 10 mm का डाया 150 स्पेसिंग पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ऊपर कितना करेंगे इसका 50%, तो उसका 50% कितना होगा, अगर इसको लिख सकते हो तो ऐसे लिख दो, 10 का ही डाया लेंगे हम, ठीक है, 10 mm का डाया एट द रेट, यहाँ पे चेंज आएगा, स्पेसिंग क्या होगी 300 mm, 50% स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो अल्टरनेट पे क्या होगा हमारा स्पेसिंग 300 mm हो जाएगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी होती है सपोर्ट के यहाँ तक, ये डिस्टेंस 0.1L1, ये आपको लिखना नहीं है 0.1L1, कैलकुलेट करके वैल्यू देनी है। और यहाँ ये वैल्यू कितनी होती है 0.515L1, L1 क्या होगा इस स्पेन का L1, इसी तरह ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे सपोर्ट पे, सपोर्ट के यहाँ से ये जो बार एक्सटेंड हो रहा है यहाँ तक, ये 0.3L1, ठीक है, और सपोर्ट से और ग्रीन से बना देता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक जहाँ से वो बैंड हो रहा है ये कितना है 0.15L1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके लिखनी है, और यहाँ पे सपोर्ट की विड्थ भी लिखोगे, यहाँ पे डेप्थ भी लिखोगे, और यहाँ पे स्पेन भी लिखोगे, L1 L2, ये L2 होगा, ठीक है। जब ये वाली डिस्टेंस निकालोगे तो L2 यूज करेंगे, ये वाली निकालेंगे तो L2, और ये वाली निकालोगे तो L3, ये L2 होगा। तो इस तरह से आपको रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग भी करनी है। कोई भी डाउट हो इस कंटिन्यूस स्लैब के डिजाइन न्यूमेरिकल में तो इसको आप कमेंट करना। एक बार और मैं सोच रहा हूँ लोडिंग का, मैं आपको बता दूँ एक बार और लोडिंग का किस तरीके से हुआ है। याद कीजिए मैंने बताया था कि ये आपका कंटिन्यूस स्लैब है और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट है उसका कोफिशियंट निकालना है हमें, और यहाँ नेगेटिव मूवमेंट का कोफिशियंट, यहाँ का कोफिशियंट, यहाँ पर जहाँ जहाँ ग्रीन मार्क करो यहाँ पे कोफिशियंट निकालना है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का, बेंडिंग मोमेंट का सॉरी स्टार्टिंग में। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि डेड लोड गिवन है और लाइव लोड भी फिक्स है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1/12 होगा या 1-1/10, ये इस तरह से फैक्टर होंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको देख के आप देख लेना। लेकिन अगर लाइव लोड ये नहीं दिया हुआ कि फिक्स नहीं है, तो एक फैक्टर होगा 1/12 और एक फैक्टर होगा 1/10, दो फैक्टर होंगे यहाँ पे, यहाँ पर भी दो, 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 और इस इक्वेशन से आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लोगे, ठीक है, यही हमने वहां पर किया है। तो कोई भी डाउट हो तो इसको क्या कहते हैं कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अगर याद ना रहे तो नोटिफिकेशन से पता चल जाए, ठीक है, थैंक यू।